तो गाइस यार मैं आया हूँ अभी COP28 UAE में। बहुत कमाल की जगह, बहुत कमाल की चीजें, आ जाओ आपको भी दिखाता है। आज वो आप देख रहे हैं ना, वो सारी सोलर प्लेट्स लगी हुई है, यानी कि क्लीन एनर्जी। भाई अभी तो हमने स्कूटर भी ले लिया है, बहुत बड़ी जगह है ना गाइस। ये है टेरा पवेलियन, यहाँ पे दिखाया गया कि हम किस तरीके से एनर्जी का कंजप्शन करते हैं। साथ साथ ये भी देख लो कि हम कितना वेस्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आ जाओ आपको लेके चलते हैं एक्सपो फार्म के अंदर। भाई यहाँ पे तो रेगिस्तान में सारी सब्जियां सब कुछ उगा रखा है इन्होंने। ये देखो टमाटर, धनिया, मक्का, भिंडी, भाई बिना खेतों की खेती हो रही है। देखो हाइड्रोपोनिक बोलते हैं इसे। भाई बहुत बड़ा है यार COP28 UAE। इधर चारों तरफ डिस्कशंस चल रही है गाइस। यार घूमते घूमते पूरा दिन हो गया, यकीन मानो यार क्या एक्सपीरियंस था। वाकई में UAE गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। और गाइस यार इतनी सारी चीजें, इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ताकि हमारे आने वाला जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सके। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भाई क्या तगड़ी चीज बना रखी है ना।